मुझे यहाँ पर एक यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि मैंने जनरल पेज थीम यूज़ की है अपनी साइट के अंदर, मुझे यहाँ पर कैटेगरी बनानी है एक न्यू, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? अगर कैटेगरी बनानी है तो कैसे बनाऊँ, डिलीट करनी है तो कैसे करूँ, और रीनेम करनी है तो कैसे करूँ? तो आज हम कंप्लीट सेटिंग बताएंगे कैटेगरी से रिलेटेड जनरल पेज थीम के अंदर। तो इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर न्यू कैटेगरी आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद यहां पर आपको पोस्ट में जाना है, यहां कैटेगरी ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। कैटेगरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी नेम डालेंगे। कैटेगरी नेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पर टेस्टिंग कैटेगरी, ओके। एंड यहाँ पर कॉपी करके इसी को हम सिलेक्ट मानते हैं एंड यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कैटेगरी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैटेगरी बनाना सीख लिया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी नहीं आएगी, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कितनी बार रिफ्रेश किया, नहीं आ रही। अब यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी आपने यहाँ इंसर्ट किया लेकिन आपको मेन्यू बार में ऐड नहीं की, तो वो आपको अब करना है। तो मेन्यू बार में कैसे ऐड करेंगे अब वो सीखते हैं। आपको जाना है यहाँ पर अपीयरेंस में, मेन्यू पर क्लिक करना है। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी पर क्लिक करना है। कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है टेस्टिंग कैटेगरी, ये बनाई थी हमने, ये यहाँ पर शो होने लगी। ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैटेगरी आने लगी, एन सेव पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ ब्लॉक को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेस्टिंग कैटेगरी आने लगी, है ना। अगर दोस्तों आप चाहें टेस्टिंग कैटेगरी सब मेन्यू बन जाए जैसे कि एसयू के अंदर आए तो वो कैसे आएगी, उसके लिए आप फिर से आप मेन्यू बार के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप ड्रैग कर देंगे इसको नीचे। यहाँ पर अब ये सब मेन्यू बन चुके, सेम मेन्यू पर क्लिक करेंगे एंड या ब्लॉक को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ सी यू में आने लगी, ओके। तो यहाँ पर देखिए टेस्टिंग कैटेगरी ये आने लगी। अब दोस्तों आपका कहना है मुझे कैटेगरी में जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्टिंग, मुझे यहाँ पर केवल टेस्टिंग रखना है, कैटेगरी रिमूव करना है, ठीक है। तो या रीनेम बोल सकते हैं, एडिट बोल सकते हैं, वो कैसे करेंगे? सिंपल सा फिर से आप जाएंगे और यहाँ पर कैटेगरी वाले सेक्शन पर जाएंगे जैसे कि पोस्ट एंड कैटेगरी एंड यहाँ पर टेस्टिंग कैटेगरी के नीचे एडिट बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हटाएंगे और नीचे आएंगे यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अगर इसके URL में भी चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं और यहाँ अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी एंड स्लग ये आने लगे एंड ब्लॉक को रिफ्रेश करते हैं एंड देखिए यहाँ पर अभी रीनेम हो चुकी, ये देखिए, है ना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे डिलीट करना है, हटाना है कैटेगरी को, तो वो कैसे हटाएंगे? तो आप चाह रहे हैं मेन्यू बार से हटे केवल, तो मेन्यू बार से हटाने के लिए आप इसके स्विच पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, एंड सेव मेन्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये कैटेगरी केवल मेन्यू बार से हटी है ना कि आपके साइट से। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मेन्यू बार से हट चुकी। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे फिर से तो यहाँ पर कैटेगरी पे आएंगे लेकिन यहाँ पर ये शो होगी, देखिए कहाँ गई कैटेगरी। हाँ, यहाँ पर रिफ्रेश करते हम कैटेगरी एंड यहाँ पर व्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई, हमें यहाँ पर रीनेम में कैटेगरी को उठाना था लेकिन हमने टेस्टिंग हटा दी, ठीक है। तो ठीक है, हमें यहाँ पर एडिट में जी चीज़ें दिखानी थी तो हमने इसके आधार पर भी दिखा दी आपको, ओके। तो यहाँ पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर शो हो रही है अभी भी कैटेगरी, है ना, ये जो कैटेगरी है वो कैटेगरी शो हो रही है। तो मैं इसमें बदलाव कर देता हूँ कन्फ्यूजन के लिए, शो हो रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये यहाँ से भी हट जाए, यहाँ पर शो नहीं हो, तो इसके लिए आपको डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए एंड रिफ्रेश करेंगे अब ये शो नहीं होगी, ये देखिए व्यू ऑल पर जाएंगे तो देखिए अभी शो नहीं हो रही। नीचे आते हैं, ये देखिए व्यू ऑल पर जाएंगे, देखिए शो नहीं हो रही, है ना। तो इस तरह से आप जनरेट फिश थीम के अंदर कैटेगरी को ऐड, रीनेम, डिलीट कर सकते हैं मेन्यू बार से, है ना, एक नई कैटेगरी जोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।